गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश एवरीवन हैप्पी धनतेरस और मैं आप लोग सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मी माँ जो हैं और जितने भी धन के देवता हैं वो सब आप लोग के ऊपर धन वर्षा करते रहें साल भर और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की प्रिपरेशंस भी हो गई होंगी और आप लोग तैयार हो गए इस पैंडेमिक वाली दिवाली का। थोड़ा सा असर तो हुआ है बट हम लोग इंडियंस लोग ऐसे हैं कि कोई भी त्यौहार जो है कोई भी फेस्टिवल है हम लोग जैसे ही वो आता है तो हम लोग चाहे कोरोना हो या उसका परदादा हो अपन लोग पीछे नहीं हटने वाले। सो, मेरे पीछे एक मार्केट लगी हुई है। पर्पज़ ये है वीडियो का कि आप लोगों को दिखाऊं कि कोरोना में जो दिवाली की मार्केट है उसका सेटअप कैसा है। तो अभी धनतेरस है आज और धनतेरस जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो बीच में जो धन्वंतरी नाम के एक भगवान थे वो अपियर हो गए थे और उनके एक हाथ में अमृत था और एक हाथ में आयुर्वेद की कुछ किताब थी शायद। तो उनकी याद में ये उन्हीं के नाम से उनकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चलो देखते हैं कि मार्केट कैसी है क्या है। अभी मैं ये नेहरू नगर भिलाई की एक मार्केट में आया हूँ। ऐसे ही हम लोग दो तीन जगह और कवर करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और लाइक और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी से बोल रहा हूँ कर देना बिकॉज आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मार्केट जो है पूरी भिलाई की लगी हुई है। आप लोग देख सकते हो दिया रंगोली सब कुछ है यहाँ पे और सब लोग बढ़ चढ़ के बाहर निकल रहे हैं और जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार लोकल दुकानों को सपोर्ट करें तो वही मेरी भी कोशिश है दैट वी शुड सपोर्ट लोकल। तो देखते हैं एक राउंड मारते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है और सारी दिवाली की पूजा की सामान सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग को एक प्यारा सा शॉट दिखाता हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। गाइज आप लोग से एक विनती थी कि इस साल चाइनीज़ लाइट को अवॉइड करो। कम्प्लीटली अवॉइड तो हो नहीं पाती है लोगों से लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग दिए ज़्यादा जलाएं और दिए खरीदे भी हम लोग उन लोग से जो लोग बहुत मेहनत करते हैं जैसे सड़क में जो दुकानें रहती हैं उन लोग से। तो इस साल ये मिट्टी के दिए खरीदो और अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाओ रैदर दैन यू नो यूजिंग चाइनीज़ लाइट्स एंड all stuffs because those money will not come back to our country and it will go to China. तो अपनी जो आस पड़ोस की दुकानों की help करना हमारी ज़िम्मेदारी है। so ये यहाँ की एक market थी। अभी और cover करेंगे और भी देखेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हमको दिखें special stalls जो sweets के दिखते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी भाई लोगों को हम दुकानदारों की ओर से धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी सामान है अपने आसपास पड़ोस की दुकानों से ही खरीदिए, चाइना माल को हटाइए है ना, और सभी लोग बढ़िया से दीपावली के मज़ा लीजिए है ना। ठीक है भैया। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दिवाली का जो महत्व है वो इसलिए है कि हम लोग घर वाले लोग जो भी हैं जो एक दूसरे को जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और साल में एक दिन ऐसा होता है जो हम लोग सब लोग एज अ यू नो कंप्लीट यूनिटी के साथ हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो अगर आप लोग किसी के भी घर जाना है तो आप लोग को कम से कम एक अच्छा सा कुछ प्रॉप टाइप का कुछ अच्छा सा कुछ मिठाई का बॉक्स या कुछ कस्टमाइज टाइप के चॉकलेट का बॉक्स ऐसे आपको लेके जाना अच्छा मानते हैं। इस त्यौहार के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को हम लोग मिठाइयाँ दें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें। तो ऐसी एक जगह है जो भिलाई में
जो मेरे को भी बहुत पसंद है और लोगों को बहुत पसंद है, उसका नाम है श्री जी। और उन लोग ने भी बाहर अपना एक दुकान के बाहर एक स्टॉल लगाया हुआ है कि चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स और ये सब का एक जो कस्टमाइज पैकेजेस जो होते हैं वो इन्होंने बनाए हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग कुछ भी चाहिए तो आप लोग यहाँ से भी आके ले सकते हो। तो मैं जस्ट एक शॉट दिखा रहा हूँ आप लोग को कि उन लोगों के पास क्या क्या है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले शॉट देखते हैं यहाँ पे, और कुछ भी चाहिए तो मैं आप लोग को एड्रेस अभी से बता दे रहा हूँ। ये जो पीछे स्मृति नगर का जो SBI बैंक है उसके जस्ट नीचे श्रीजी करके दुकान है, तो आप लोग बड़े बड़े ऑर्डर्स दे सकते हो यहाँ पे। फिलहाल माहौल देखते हैं, माहौल को एंजॉय करते हैं। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हम श्री जी ड्राई फ्रूट से बोल रहे हैं, एंड हमारे यहाँ जितनी भी आपको कस्टमाइजेशन टाइप के बॉक्सेस, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस एंड गिफ्ट हैम्पर्स, गिफ्ट बॉक्सेस, सब कुछ मिल जाएगा आपको अवेलेबल। एंड दिया विया डेकोरेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए आपको सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और रेंजेस कैसे हैं भैया यहाँ के? रेंजेस आपको जिस भी लो से हाई से हाई तक जिस भी रेंज में चाहिए हम सब कस्टमाइज कर देंगे, जितनी भी रेंज में चाहिए आपको। ठीक है। और कोरोना के टाइम पे आपका बिजनेस का क्या हाल है? ठीक ही चल रहा है। रिस्पांस हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना में लोग इतना निकलेंगे, फिर भी लोग निकल रहे हैं एंड सेफ्टी के साथ आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जितना भी सब गिफ्टिंग कर रहे हैं। लग रहा है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है। और कुछ लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप कुछ बोलना चाहते हो? लोकल हम भी लोकल प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करते हैं। हमारे जितने भी जो हैम्पर्स वगैरह ये सब लोकल प्रोडक्ट्स ही है, ये सब मेड इन इंडिया वाले ही हैं। हम यहीं के यूथ के, यहीं के लोगों को ही प्रमोट करते हैं, यहीं की चीज़ों को मैक्सिमम मतलब मेनली देते हैं। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। चलिए थैंक यू। ठीक है। गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं सेक्टर 6 मार्केट भिलाई के। इसको कवर किए बिना दिवाली अधूरी है या कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या खाने को मिल रहा है यहाँ पे। दिवाली के मौसम में और दिवाली का अवसर है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई दुकान वाले लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, वो लोग कोरोना के टाइम में कैसे अपनी शॉप को चला रहे हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, क्राउन मार के देखते हैं कि माहौल कैसा है, और मिठाइयों को भी थोड़ा दूर दूर से देख के दर्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है वो गली जिसमें सिलाई की जान बचती है त्योहारों के टाइम पे, और यहीं पे सब लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं दिवाली की। और सारी मिठाइयाँ, गुजिया, नमकीन, चकला, फाफड़ा, सब कुछ यहीं पे मिलता है ना। तो पूरा सेटअप यहाँ पे रंगीन है, माहौल बढ़िया है, लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो ये जो है सेक्टर 6 की एक मिठाई की लेन है। होली में भी सेम रहता है, लेकिन दिवाली के टाइम में थोड़ा माहौल और वाइब्रेंट हो जाता है। ये हमारी जो गली है सेक्टर 6 की, बहुत ही मशहूर गली है, भिलाई वाले सब यहीं से लेते हैं सारा सामान। तो मैं भी अपना शॉपिंग करूंगा यहाँ पे, लेकिन आज नहीं है ना, कल या परसों आके हम लोग करेंगे। हमें भी अपने घर वाले लोग के लिए मिठाई और ये सब लेना है, तो यहीं से लेंगे। तो मेरी तो फेवरेट दुकान यहाँ पे ये संगम डेयरी है पीछे, वो मेरी फेवरेट दुकान है, वहीं से मैं सब कुछ लेता हूँ, मिठाई, दूध, पनीर, सब कुछ। लेकिन दिवाली का टाइम है तो हम लोग सारी मिठाइयाँ यहीं से लेंगे, और बाकी भी दुकानें बहुत अच्छी लग रही हैं अपने अपने, सबकी बिक्री अच्छे से हो रही है इस कोरोना के टाइम पे, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और ये दिखाता है कि त्यौहार के सामने कोई भी पैंडेमिक और कुछ भी नहीं टिकने वाला है।
तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं इधर उधर। तो चलिए, गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे और इधर पूरा दिवाली की मार्केट का सेटअप लगा हुआ है। चलते चलते बात करेंगे। बात ऐसी है कि अगर आप लोग भिलाई में हो तो आप लोग ज़रूर यहाँ से चीज़ें खरीदो। ये लोग एक दिन दो दिन दिवाली के टाइम पे स्टॉल लगा के कोई अपना महल खड़ा नहीं कर लेंगे, लेकिन ज़रूर इन लोग की दिवाली अच्छी हो जाएगी। तो आओ और जम के शॉपिंग करो यहाँ पे और इन लोग की मदद करो। तेल वाले दिए जलाओ, लाइटिंग को अवॉइड करो। हम लोग कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते जैसा मैंने पहले भी बोला है, बट थोड़ा थोड़ा अवॉइड करो और घी के दिए जलाओ, तेल के दिए जलाओ, तो आप लोग का दिवाली भी अच्छी बनेगी और इन लोग की दिवाली भी अच्छी बनेगी। क्योंकि ये लोग साल भर बहुत मेहनत करते हैं, छोटे छोटे काम करके और थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये लोग स्टॉल लगाते हैं अपना। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी इनकी मदद करें। और प्लीज़ आप लोग भी सेफ़ रहो, दिवाली में पटाखे मत जलाओ, जो एनवायरनमेंट है अपना उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखो। और मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।